क्यों बनवाया मैंने और अभी बूट ऑप्शन से कराया वो क्यों कराया उसका कंसेप्ट क्लियर है ठीक है तो आप मुझे बताइए सर फर्स्ट बूट डिवाइस में क्यों बनाऊंगा और कब बनाऊंगा कल जो मैं क्लास अटेंड करूंगा ना क्लास 1 से लेके और आज तक की सारी क्लास की रिवीजन कराऊंगा और प्रैक्टिकली भी कराऊंगा वैसे भी कराऊंगा और वो आप ही करके दिखाओगे मैं कुछ नहीं करूंगा सिर्फ मैं बताऊंगा जैसे आपको ये करके दिखाना है वही सारी भी चीजें कराता हूँ ठीक है तो आप मुझे ये बताइए बूट ऑप्शन हम फर्स्ट बूट डिवाइस क्यों बनाते हैं अगर आप आपको बाहर जाने अगर आपके पास टाइम है तो बाहर पैसा देने की जरूरत नहीं हम खुद कर सकते हैं मतलब ये सैलरी कोई भी लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई आप बिल्कुल अगर अब आप आने से बोल आपके पास लैपटॉप का है और विंडो 10 क्वालिटी में लोडेड है समझ गए चीज समझ गए लेकिन ऐसा तो जैसे बता रहे हैं भाई जब कहीं गलत क्लिक हो गया एरर आ गई तो आपका पूरा डाटा साफ हो जाएगा नहीं वो तो सीख ही होगा वो सीख है मतलब है कि पहले कम से कम अगर ये उनके पास लाए मास आप में बैठे और फाइनली उसके साथ एक बार काम कर ले उसके बाद आप फिर अपना एक्चुअली आपके पास जो मैनुअल है ना उस दोनों मैनुअल जितनी भी मैनुअल्स होंगे उनके फ्रंट पेज पे नंबर है ठीक है वो सीएस का नंबर है अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो किसी प्रॉब्लम में एक्टिव हुए तो आप उस नंबर पे फोन कर सकते हैं आप कुछ टाइम पे आपको की बात देने की जरूरत नहीं है आप कॉल कर लोगे या जीमेल से लिख लोगे इसको आप सारी इंफॉर्मेशन काम करोगे अगर इस सिस्टम में आप अटक गए हो कुछ जैसे सिस्टम आप फोन करते हो अपने स्कूल में स्कूलों की प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो वो नंबर स्पेशली सीएस का इसलिए आपको दिया गया है जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है आप उस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं यही कहते हैं आप जैसे यहाँ है काफी सारे कंप्यूटर हैं आपके पास अगर एक में प्रॉब्लम हो जाती है आपका ऑप्शन है बाकी लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उसी में बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिस्क सर आपका है उस पर रिस्क नहीं लेगा सकता हाँ एक्चुअली ऐसे ही मेरे बड़े बने हुए हैं उनमें मैं रिस्क नहीं ले सकता आप रिस्क नहीं ले सकते एक्चुअली मैंने एक बार रिस्क लेने की कोशिश की थी लेकिन मुझे लॉस ही हुआ वो क्या हुआ मेरे पास में एक पार्टीशन था और उस पार्टीशन को मैं स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा था ठीक है पार्टीशन के सी को छोड़ के मैं सी के पार्टीशन को करने की कोशिश डी भी था मेरे पास में सी को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते अगर आपने एक बार असाइन कर दिया अपना साइज तो आप उसी साइज को रखोगे वैसे आप बढ़ा सकते हो कि बढ़ा सकते हो उसको करा था कुछ नहीं हुआ नहीं बढ़ा सकते हो दोबारा से वीडियो सी का मुझे और मैंने किसी दूसरे एप्लीकेशन से किया हां छोड़ दिया शाम को विंडो के दूसरे पार्टीशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो विंडो वाले को नहीं कर सकते ठीक है इसमें क्या किस तरह से फिर आपने किया मैंने सर एप्लीकेशन यूज किया क्योंकि हमारे में सीन ड्राइव में जैसे शॉर्ट पड़ जाता है कभी-कभी हां तो उससे वहां से ये तो माइनस करना पड़ता है या उसको काटना पड़ता है कुछ और चीज सर ये उसके लिए ना एप्लीकेशन आते हैं आप एप्लीकेशन यूज करने में ये मतलब आपको आईडिया नहीं होगा नहीं चीजों का आप ट्राई भी करोगे तो हो सकता है पहली बार दूसरी बार इंसान कभी कुछ सीखता है ना तो कितना जरूर है एप्लीकेशन सर कौन सी है और सर YouTube पे लिख देना हाउ टू स्टैंड अप बिल्कुल मैं आपको कल भी बता रहा था YouTube प्रोसीजर होता है आपके सब कुछ बता देगा YouTube पे आप हाउ टू एक्सटेंड अप पार्टीशन ऑफ सी ड्राइव तो आपको सी ड्राइव पे कोई स्टेप बताएगा वो अगर बाकी का करना है तो बाकी को आप एक्सटेंड कर सकते हो कोई इशू नहीं है बाकी को जैसे आपने विंडो में आगे वो किया था आपने इंस्टॉल किया था वैसे वहां पे एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी होता है जो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो रिफ्रेश डिलीट फॉर्मेट न्यू नीचे होता है एक्सटेंड अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना तो जिसको एक्सटेंड करना है आप उसको सिलेक्ट करो एक्सटेंड पे क्लिक करो जो अनअलोकेटेड पार्टीशन होगा वहां से उसे एक्सटेंड करके उसमें सेंड करो ठीक है तो वो चीज है तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ करने के चक्कर में कुछ हो जाता है तो जो मेरे साथ में हुआ मेरे पास इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन थे उस टाइम पे भी मेरा पूरा पार्टीशन चला गया फिर मुझे एक ही करके सारे पार्टीशन मैनेज करनी पड़ी मुझे सारी चीज़ देखनी पड़ी लैपटॉप चाहिए था ना ठीक है तो उसमें एक डेटा रिकवरी का अच्छा सॉफ्टवेयर था मेरे पास जो कि अच्छे से बड़े बड़े डेटा को रिकवर करता है कोई से भी वो डेटा मेरे को नहीं है वो मेरे सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी है अब
डाउनलोड भी करोगे ना तो परचेज करने के लिए दे देते हैं, इंस्टॉलेशन का आप अगर स्टोर भी करोगे ना तो आपको बड़ी बड़ी 1 GB या 2 GB तक इनवर्ट करके दे सकता है, उससे आगे बोलो आप परचेज करो। ऑफिस से बाय करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल लेना है वो चीज़ होती है। तो ऐसे होम बेसिस पे आप पायलटेड चीज यूज कर सकते हो, बट ऐसे इंडस्ट्री लेवल पे आप नहीं कर सकते। कैसे और जो डाटा है पूरे ठीक है डेस्कटॉप पर नहीं ठीक है जहाँ तक आपने ISO बनाया होगा, उसके बाद में आपने कोई काम किया, आप हर बार तरफ बनाओगे ISO ना उसके। ये भी बात है ना। हर बार कितना साइज़ आप सुधरोगे? पुराने वाले की साइज़ क्या थी? जितना आप चाहते हो उतना आप। तो फिर आप एज ए बैकअप यूज़ कर लोगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो आप बैकअप यूज़ करो तो बैकअप में काम आ जाएगी, ठीक है? ISO ना जल्दी इंस्टॉल, बाकी के कैमरेजन में ISO फाइल जल्दी इंस्टॉल। वो रिकवरी फाइल होती है ना, इसलिए जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। अभी हम टी ब्रेक करते हैं, कितना टाइम हुआ? 11 मिनट के बाद। चलो ठीक है, तो ठीक है 10 मिनट वेट करें। तो आप इस टाइप से अपने पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो, ठीक है? और एक और क्वेश्चन करके भी मेरे माइंड में आता है वो ये कि जब आप कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव को यूज करते हो कभी कभी वो डिटेक्ट तो करता है लेकिन वो ड्राइव में शो नहीं करता है, हुआ कभी ऐसा? बहुत बार होता है। वो आपका डिटेक्ट तो करता है लेकिन वो ड्राइव में शो नहीं करता है, ना आपको कोई अल्फाबेट दिखाएगा, ना उसका नाम दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आपको वो दोबारा से साइन करना पड़ता है क्या कैसे करते हैं? यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं, करोगे ना यहाँ से हटा दोगे तो वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो चीज क्लिक करना है, आपने कोई पेन ड्राइव या कुछ भी हार्ड डिस्क यूज की, ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा है बट यहाँ पे अल्फाबेट कुछ शो नहीं कर रहा है ऊपर, ठीक है? इसका भी रीजन होता है, वो जो अल्फाबेट है उसको गैदर नहीं करता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, बहुत जल्दी बढ़ती है आपको करनी, ठीक है? तो अब यहाँ से साइन करोगे तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा, ये चीजें होती है कभी कभी। अब मैं टाइप यूज कर रहा हूँ क्या तेरे सिस्टम के पीछे क्यों पड़ा यार, तू से हट जा, तू वहाँ से मैं बता दूंगा सब कुछ, ठीक है? तो इन चीजों को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको यूजर बनाना है, ठीक है, जैसे आपको एक यूजर बना दिया, आपने दूसरा यूजर बनाना है और आप चाहते हो कि जो यूजर मेरा है उसमें कुछ भी अगर कोई काम करे तो कंफर्मेशन पासवर्ड मांगे मेरे से,
कोई वक्त आपकी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो आप वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से यूजर को क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप वाइज और वैसे यूजर से। तो स्टार्टिंग में जो आपके पास में पासवर्ड वगैरह जो पूछा जाता है ना, वहाँ पे दो यूजर बन के आ जाएंगे, और वैसे वैसे कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कुछ चीज कर सकते हो। मैं आपसे वैसे ही कराऊंगा ना, तो मैं चांस नहीं देना चाहता, इन लोगों से कराऊंगा।